सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है छोटे और आप देख रहे हैं टेक्निकल छोटे यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डीएक्टिवेट कैसे करें। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फेसबुक ऐप पर चले जाना है। फेसबुक ऐप पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर थ्री डॉट दिख रहा होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर टैप करने के बाद दोस्तों, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सबसे सेकंड लास्ट में सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले वाला ऑप्शन जो सेटिंग्स है उस पर आपको टैप कर देना है। उस पर टैप करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चले जाना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो आपको यहाँ पे मैनेज अकाउंट पर क्लिक कर देना है। मैनेज अकाउंट पर टैप करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा, सिंपली आपको यहाँ पर डीएक्टिवेट पर क्लिक कर देना होगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डीएक्टिवेट, आपको उस पर डीएक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं वो सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ टेम्पररी आई विल बी बैक। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर रीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट फिर से 7 दिन के बाद रीएक्टिवेट हो जाए, मतलब आपका अकाउंट फिर से वापस आ जाए, तो आप यहाँ पर 7 डेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं परमानेंटली मेरा अकाउंट डिलीट हो जाए, सिंपली आपको सबसे लास्ट वाला डोंट रीएक्टिवेट अकाउंट ऑटोमेटिकली आपको क्लिक कर देना है। तो मैं ये अकाउंट मेरा 7 दिन के बाद मुझे चाहिए, तो फिर मैं 7 डेज कर लाऊँ। अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो डोंट रीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट करना है, ये वाला सबसे लास्ट वाला मैं 7 डेज करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डीएक्टिवेट माय अकाउंट, सिंपली आपको उस पर डीएक्टिवेट माय अकाउंट पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा मैसेज आएगा अकाउंट डीएक्टिवेशन सक्सेसफुल का। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो भी है वो लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आपका वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।